से जीवन के हर पल का आनंद उठा लो। आज ही से मन की एक नई शांति पालो। समय आनंद लो प्रतिदिन के जीवन का। मैं आपका स्वागत है, मुझे खुशी है कि आज आप हमारे साथ जुड़े। हम इस श्रृंखला में कुछ हफ्तों से हैं और मेरा विश्वास है कि बहुत लोगों को मदद कर रही है। हमने लोगों से हमें 30 दिन देने के लिए कहा और हमें परमेश्वर के सामर्थ्य वचनों के द्वारा उनके जीवन के विषय, उनका दृष्टिकोण बदलने दे। जॉन मैक्सवेल एक लेखक और वक्ता है जो कई वर्षों से लोगों को उनकी मनोदशा की सामर्थ के विषय बता रहे हैं और आज वो मेरे साथ में मेरे विशेष मेहमान के रूप में हैं। आपके साथ फिर से आना बड़े आनंद की बात है। हाँ, मनोदशा का किसी बात से क्या संबंध है? मनोदशा का संबंध हमारे जीवन के हर एक दृष्टिकोण से है, यथार्थ के साथ में है। आप और मैं दोनों जानते हैं कि मनुष्य अपने हृदय में जैसा सोचता है बिल्कुल वह वैसा ही है। बिल्कुल सही है। क्या कहा आप, अपनी सफलता से बस एक मनोदशा की दूरी पर है। मैं उस पर विश्वास करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि कई लोग यदि बस एक बार खड़े हो जाएं तो वे रुकावट या असफलता के ऊपर फिर से विजय हो सकते हैं। वे तो बहुत ही निकट है। सच में तो कई बार मैं आश्चर्य करता हूं कि बहुत से लोग सफलता के बहुत ही करीब होते हैं परंतु वे वहां पर नहीं पहुंच पाते क्योंकि वे एक बार फिर खड़े नहीं हुए हैं। चाहे आप विश्वास करें ना करें परंतु हमारी सफलता के लिए लगने वाली मनोदशा में से एक है नम्रता की मनोदशा। और मैं सोचती हूँ कि कई बार लोगों से नहीं समझ पाते, वे सच में नम्रता की मनोदशा की कीमत नहीं जानते हैं। आपने नम्रता के विषय क्या सीखा? मैंने एक बात पाई है कि नम्र लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं। हाँ, और जब कभी मैं ऐसे व्यक्ति को देखता हूँ जिसमें शिक्षा ग्रहण करने की आत्मा नहीं है और मैं जानता हूँ वे नम्र नहीं है। मेरी किताब विनिंग विद पीपल में मैंने एक सिद्धांत रखा है। उस सिद्धांत को मैं सीखने का सिद्धांत कहता हूँ जो कहता कि हर एक व्यक्ति में वह क्षमता है कि मुझे कुछ सिखाएं। अच्छी बात है। अब मैं सच में इस पर विश्वास करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि हर एक व्यक्ति में क्षमता है कि मुझे कुछ सिखाएं। जब आप किसी व्यक्ति के साथ होते हैं, उसे आप कम ना आंकें, आप उस व्यक्ति के साथ में रहें और आप कहें यदि मैं इस व्यक्ति के साथ में संबंध रखूं तो निश्चय ही वे मेरे जीवन में ऐसा कुछ करेंगे जिससे मैं सीखूंगा। मैंने सीखने के विषय 3 दृष्टिकोण देखे हैं, उसमें से एक है ढीठ मनोदशा, आज जिसके विषय हम सब जानते हैं। उस तरह का व्यक्ति कहता है मुझे तो कोई नहीं सिखा सकता है। ऐसे व्यक्ति से आप सावधान रहें, उसके लिए रास्ता खोल दें। साथ ही सरल मनोदशा के लोग भी ऐसे होते हैं, विशेष करके आत्मिक क्षेत्र छाया में देखे तो मसीह समुदाय में ऐसे लोग होते हैं। और फिर मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे जो ये कहते हैं कोई व्यक्ति मुझे सब कुछ सिखा सकता। मैं सोचता हूँ वे बहुत ही सरल लोग है। वे कहते हैं मुझे मेरे जीवन पर छत्र छाया चाहिए। एक व्यक्ति कई बार लोग आकर कहते हैं कि आप मेरे जीवन के लिए छत्रछाया बनेंगे। मैं कहूंगा नहीं, मैंने आपके जीवन की छत्रछाया नहीं बन सकता हूं। मैं आपकी अपेक्षा जानता हूं, आप चाहते कि मैं हर बात में बुद्धिमान और चतुर हो जाऊं और शायद मैं कुछ ही बातों में बुद्धिमान हो सकता हूं और बहुत सी ऐसी बातें होती जिसके विषय मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। मैं सोचता हूं कि छत्रछाया की सोच के बारे में सरलता आती है कि एक व्यक्ति मेरी सारी जरूरतें पूरी कर सकता है। परंतु हम इस सीखने के सिद्धांत से क्या पाते हैं कि, और मैं सोचता हूं कि यह देखने का एक तरीका है कि हर एक व्यक्ति मुझे कुछ सिखा सकता है। जब मैं एक पास्टर था, मुझे याद है मेरे सेवकाई के आरंभ में, शायद मेरे सेवकाई के पहले 6 महीने मैंने जाना कि परमेश्वर ने मुझे जो करने के लिए बुलाया है उसे करने के लिए मैं पर्याप्त नहीं हूँ। मैं बहुत निराश हो गया। मैंने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की थी परंतु अब मैं अभी असली लोगों के साथ में असली बातों के साथ व्यवहार कर रहा था और अचानक मैंने पाया कि मैंने इसे स्कूल में नहीं पाया या किताब में नहीं पढ़ा, दुख के साथ कैसे व्यवहार करूं? एक उत्तम बात मैंने की कि लगभग 6 महीने के बाद में मैं उन पास्टर से 30 मिनट मांगने लगा जो बहुत अनुभवी थे और परमेश्वर ने उनके जीवन में उनके बहुत कामों पर आशीष दी थी और मैं उनसे 30 मिनट मांगता था। वे मुझे नहीं जानते थे, मैं तो दक्षिण इंडियाना में एक छोटी सी कलीसिया का पास्टर था। मैं कहता था मेरा नाम जॉन मैक्सवेल है, आप मुझे नहीं जानते, मैं एक पास्टर हूँ और आपकी सराहना करता हूँ। और उनका ध्यान लेने के लिए मैं उनसे कहता था, यह तो 1977 के लगभग की बात है, मैं उनसे कहता मैं आपके 30 मिनटों के लिए आपको $100 दूंगा। मुझे बस उनका ध्यान आकर्षित करना था क्योंकि जो उनसे बातें करना चाहते थे उनसे मुझे खुद को अलग रूप में दिखाना था क्योंकि मैं बहुत भूखा था। अब उन दिनों में $100 मेरे लिए बहुत अधिक हुआ करते थे क्योंकि मैं वर्ष में $5,000 से $6,000 कमाता था और $100 बहुत थे। देखा जाए तो 3 वर्षों के समय में ही मैं अमेरिका के 10 पास्टरों के साथ में बैठा और उनके नाम यदि मैं आपको बताऊं तो बहुत से लोग यहाँ तक के दर्शक भी उन्हें जानते हैं। उनकी तो बहुत बड़ी कलीसियाँ हैं। मैं कमरे में टेप रिकॉर्डर और प्रश्नों से भरे हुए 5 पन्ने लेकर जाता था
मेरे पास केवल 30 मिनट होते थे, इसलिए मैं तुरंत वहां पर बैठकर उनसे प्रश्न पूछने लगता था, टेप रिकॉर्डर ऑन करता था और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मैं लिखता था। और जब 30 मिनट पूरे होते थे निश्चय ही मैं पूरे प्रश्न नहीं पूछ पाता था, मेरा टेप रिकॉर्ड मैं बंद करता था, खड़ा होता था और उनसे हाथ मिलाता था और मेरी जेब से $100 का चेक निकाल कर उन्हें देता और कहता बहुत बहुत धन्यवाद। उन सभी 10 परिस्थितियों में उन पास्टर ने मेरी ओर देखा और वह चेक मेरे हाथ में वापस थमा दिया। ये अच्छा है। मतलब उन्होंने उस बच्चे से मुलाकात की थी जो एक अच्छा पास्टर होना सीखना चाहता था। हर समय नहीं परंतु कभी कभी उन्होंने कहा ये दोपहर के भोजन के लिए चले, हम भोजन के लिए गए, आप अपने हीरो के साथ में भोजन कर रहे हैं और आप अपने हीरो के साथ में भोजन नहीं कर सकते, भोजन गले से नीचे नहीं उतरता, प्लेट में घूमते रहता है। और मुझे याद है 3 परिस्थितियों में हम वापस उनके ऑफिस में गए और उन लोगों ने मुझ पर हाथ रख के प्रार्थना की। जॉयस में वहां पर वापस पार्किंग लॉट में जाकर अपनी कार में बैठकर एक बच्चे के समान रोता था और मैं कहता था परमेश्वर यदि तूने उस व्यक्ति के लिए इसे किया है तो क्या तू मेरे जीवन में उसी प्रकार की कृपा करेगा जिसने केवल मेरी सेवकाई के लिए एक कथन निश्चित नहीं किया परंतु साथ में मेरे जीवन के लिए भी उसने निश्चित किया। वह सामान्यतः कहता है यदि आप सच में सुधरना चाहते हैं तो आपको खुद को नम्र करना होगा और उन लोगों के पास जाना होगा जो आपसे तेज बुद्धिमान चतुर और ज्यादा अनुभवी हैं। और हम में से सबके समान कोई एक व्यक्ति बुद्धिमान नहीं है। हाँ। मैं सोचता हूं कि नम्र मनोदशा तो मुझे प्रश्न पूछने की अनुमति देती है, नम्र मनोदशा मुझे चोट खाने की अनुमति देती है। नम्र मनोदशा के कारण मैं आपके पास आकर कहता हूं जॉयस आपके पास उस क्षेत्र में अनुभव है जो मेरे पास नहीं है, क्या आप मुझे सिखाएगी, क्या आप मुझे मेरी गलतियां दिखाएगी, क्या आप मुझे दिखाएगी। मैं सोचता हूं कि नम्र मनोदशा सीखने और अनुभव और उन्नति के लिए द्वार खोलता है। मैंने कई बार कहा अनुभव सबसे उत्तम शिक्षक है, मूल्यांकन किया गया अनुभव सबसे उत्तम शिक्षक है। आपको बस किसी बात का अनुभव ही नहीं करना होगा परंतु आपको खुद से पूछना है कि मैंने क्या अनुभव पाया और फिर मूल्यांकन करें। नम्र मनोदशा के विषय में मैंने यह सीखा कि मैं आपके समान लोगों के पास में आऊं जिन्हें परमेश्वर ने बहुत मार्गों में आशीषें दी हैं और मैं उनसे प्रश्न पूछूं और उसके अनुसार करने लगूं और जो कुछ आपने मुझे सिखाया है उससे मैं उन्नति पाऊं। वास्तव में जब आप किस विषय में सोचते हैं यदि दर्शकों के पास नम्र मनोदशा है तो 30 दिन जॉयस आप बता रही हैं कि मनोदशा कैसे बदलें। और यदि हम नम्रता रख कर कहें मेरे जीवन में ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जिसमें मुझे बदलाव चाहिए और मैं सीखूंगा और मैं उन्नति पाऊंगा, मैं सुनूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा और बदल जाऊंगा और यदि वे इन 30 दिनों के अनुभव में से आपके साथ में होकर जाएंगे और नम्र मनोदशा रखेंगे तो मैं आपको शाश्वती देता हूं कि हर एक दर्शक इस महीने के अंत में कहेगा मैंने तो अपने जीवन में बड़े बदलाव किए हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि जो पहले से हमारे साथ पिछले 2 हफ्ते से इस अनुभव में हैं, बिल्कुल सही, उनके पास बड़ी गवाही है। जब आप बता रहे थे तो मैं कुछ बातों के विषय सोच रही थी। सबसे पहले हमारी सेवकाई एक महिला अगुआ है जिसके पास निश्चय ही एक नम्र मनोदशा है क्योंकि वो एक बात करती है हालांकि उसके पास किसी बात के लिए उत्तम विचार है या किसी बात को कैसे सुधार लें इसके विषय योजना है। वो हमेशा अपने 4-5 लोगों को फ़ोन करके कहती है कि मेरा ये महसूसीकरण है और मैं चाहती हूँ कि आप इसे दूर करें, मैं चाहती हूँ कि आप इसमें से जो कुछ गलत देखते हैं वो मुझे बताएं। जानते हैं ये अद्भुत है कि कैसे हम उस पर विश्वास करते हैं और उसका आदर करते हैं और उस पर भरोसा रखते हैं। इसलिए ये ज़रूरी नहीं कि जिन लोगों के पास नम्र मनोदशा है वे हमेशा हर बात में सबसे नीचे रहते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं यदि मैं नम्र हूँ तो मैं बस कुचला जाऊँगा और यदि मैं नम्र हो जाऊँ तो लोग क्या सोचेंगे, परंतु जो लोग खुद को नम्र बनाते हैं बिल्कुल सही है उन्हीं पर आप भरोसा रखना चाहते हैं। बिल्कुल सही। जब आप बात कर रहे थे तो मैंने दूसरी बात सोची कि जीवन भर सीखने वाली मनोदशा रखना और ये महसूस करना कि आप सबसे कुछ न कुछ सीख सकते हैं। जो हम लोगों से सीखते हैं उसे ये होना ज़रूरी नहीं कि हम उसे करना ही चाहते हों। कई बार हम लोगों से वो सीखते हैं जिसे हमें नहीं करना चाहिए। कई बार हम उस व्यक्ति के साथ होते हैं जिसके साथ रहना मुश्किल होता है या ऐसा होता है जिसके साथ व्यवहार करता आनंद नहीं मिलता और हम सोचते हैं मैं यहाँ क्या करूँ। शायद आप सीख रहे हैं कि लोगों के साथ कैसे व्यवहार ना करें। सही है। मैंने अपने जीवन के अलग अलग समयों में कुछ ऐसे अगवेपन में रहते हुए सीखा है जिन्होंने मेरे साथ सही व्यवहार नहीं किया था और उससे लोगों ने कैसे महसूस किया और फिर मैंने उन बुरे अनुभवों से सीखा कि जैसे मुझसे व्यवहार किया गया उससे भी उत्तम तरीके से व्यवहार करूं। बिल्कुल सही। मेरे एक मित्र थे जो कलीसिया में स्टाफ थे
और जब सीनियर पास्टर ने कैसे मार्ग में अगुवाई की जो शायद सही नहीं था या एक तरीके से मैं सहमत नहीं था, इसलिए असहमत होने या समस्या झगड़ा उत्पन्न करने के बजाय वह ऑफिस में गया और उसने बुरे अगवेपन से जो कुछ भी अनुभव पाए थे वह सब लिख लिए और उसने यह सब एक फाइल में लगा दिए जो कहती थी मैं कभी सीनियर पास्टर बनूंगा। तो कई वर्षों के बाद मैं वो सीनियर पास्टर और वह सीनियर पास्टर बन गया और उसने कहा जॉन मैं वापस उस फाइल की ओर गया और उन सब बातों को निकाला जिसे मैंने सकारात्मक और नकारात्मक रूप में लिखा था कि मैं उन्हें अपने जीवन में लागू करूं। और जब मैं उन उदाहरणों को पास्टर को बताता हूं तो वे कहते हैं ठीक है आपने कौन से प्रश्न पूछे थे, और मैं उन्हें बताता हूं मेरे पास तो कोई सूची नहीं है, मेरे पास वो प्रश्नों के पन्ने भी नहीं है। कई बार देखा जाए तो उन्होंने मुझे यह उत्तर नहीं दिया था। कई बार जॉयस यह तो परमेश्वर के महान सही कहा जनों के साथ में कुछ मिनटों के लिए साथ रहने वाली आत्मा थी। और ये बात सच है कि उन्होंने आपको ये तो बिल्कुल सही है 30 मिनट दिए हैं, उन्हें आपसे बहुत कुछ कहना है क्योंकि बहुत से लोग नए सेवक से गड़बड़ी नहीं करेंगे, ऐसे छोटे बच्चे से जिसे वे नहीं जानते हो, उनके पास ये मनोदशा हो सकती है कि तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो, तुम मेरे जीवन में नहीं हो, मैं जो कर रहा हूँ उसका तुम भागने और मेरे पास उसे करने के लिए समय नहीं है। इसलिए ये बात कि उन्होंने आपको समय दिया उनके विषय बहुत कुछ कहता है। यह सही, मैं सोचता हूँ कि हम सच कह रहे हैं कि नम्र मनोदशा तो कुछ जाना नहीं है, यह तो वह है जो काफ़ी सुरक्षित है और काफ़ी भूखा रहना है और काफ़ी लगन रखना है और हम इच्छा रखें कि हम खुद को नम्र करें और लोगों के पास जाएं जिनके पास वह अनुभव है जो हमारे पास नहीं है, उनके पास वह बुद्धि है जो हमारे पास नहीं है, और हम उनके पास कहें मैं सच में चाहता हूं कि आप मूल्य जोड़े मेरी मदद करें। और जानते हैं जब लोग मेरे पास आकर ऐसे कुछ प्रश्न पूछते हैं तो मैं उन्हें कभी नीचा नहीं देखता, वास्तव में मैं उनकी ओर देखकर कहता हूं यह तो एक व्यक्ति है जो खुद की उन्नति करना चाहता है, यह एक व्यक्ति है जो उन्नत होना चाहता है, और मैं इस तरह की आत्मा की ओर खींचा जाता हूं। और मैं सोचता हूं कि कई बार हम सोचते हैं कि इस तरह की आत्मा लोगों को हमारे पास नहीं लाती है, परंतु वह प्रभाव डालना, वह भूख, मैं सोचता हूं कि कई बार वह तो वह बात होती है जो चुंबक के समान लोगों को हमारे पास संबंधों में लाती है। जॉन मैं सोचती हूँ कि ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें स्वीकार करना दूसरों की तुलना में आसान होता है। मैं सोचती हूँ कि हम परिस्थितियों को कैसे देखते हैं। मैं यहाँ पर बैठे हुए सोचती हूँ कि मैं ऐसे व्यक्ति के पास जाऊँ जो सच में इस क्षेत्र में अध्ययन पाया है और उसे पूछूँ कि हमें क्या करना चाहिए। हम देखते हैं कि हमारे परिवार में से पूरा अलग दिखने वाला व्यक्ति हमें कुछ करने के लिए कहे, या हमारे बच्चों में से एक हमें कुछ करने के लिए कहे, या आपकी अधीनता का कोई व्यक्ति बताना चाहते हैं। इसलिए मैं सोचती हूँ कि नम्रता की असली परीक्षा किसी की सुनना नहीं, हाँ विशेषज्ञ की, परंतु ये कि जो बाइबल कहती है उस पर क्या हम विश्वास करते हैं कि ज्ञान तो बच्चों के मुंह से भी आ सकता है। हमारे सब बच्चे हमारे लिए काम करते हैं और कई बार वे मुझे मेरे ही संदेश सुनाना चाहते हैं और इसे निगलना संसार में सबसे आसान नहीं है। हम अब ब्रेक लेंगे और हम वापस आकर देखेंगे कि बहुत से लोग सहमत होते हैं कि मनोदशा महत्वपूर्ण है। जब हम वापस आएंगे तो हम बातें करेंगे धन्यवादी मनोदशा के महत्व और उसे कैसे किया जाता है इस विषय पर। क्या आप कभी कभी एक या दो बातों के लिए धन्यवादी होते हैं? हम ऐसी मनोदशा कैसे बना सकते हैं जो सच में कह सके मेरा लक्ष्य है कि मैं सबसे अधिक धन्यवाद करने वाला व्यक्ति बनूं? लौट कर हम इस विषय चर्चा करेंगे। अब उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। मैं जॉन मैक्सवेल के साथ वापस आई हूँ जो बहुत ही विख्यात किताब के लेखक हैं, विनिंग विद पीपल। जॉन कार्यक्रम के पहले भाग में हमने अच्छा समय बिताया। ओ मुझे पसंद है। आप अपने दर्शकों को अपनी मनोदशा बदलने के लिए 30 दिन दे रही हैं और मैं आपके साथ में तो बस 5 ही दिन के लिए हूँ और मैं देख रहा हूँ कि 5 दिन में मैं उत्तम हो रहा हूँ। सोचिए कि यदि सब आपके साथ में पूरा महीना रहेगा तो क्या होगा, बहुत लोगों के जीवन में बहुत बड़ी उन्नति होगी। मैं सोचती हूँ कि लोगों से 30 दिन मांगने का मुख्य कारण है क्योंकि हम जानते हैं मनोदशा हमारे अंदर जड़ पकड़ने लगती है और आदत बनाने या तोड़ने के लिए 30 दिन लगते हैं। बिल्कुल सही। हम बस एक कोशिश करने से या कुछ मिनट कोशिश करने से एक अच्छी आदत बना नहीं सकते या बुरी आदत तोड़ नहीं सकते हैं। आदतें तो बार बार करने के द्वारा बनती हैं और मेरा विश्वास है कि हमारे अंदर से आने वाली बुरी मनोदशा या अच्छी मनोदशा आदतें हैं। वे ऐसी बातें जिसे हम लंबे समय से सही या गलत करते आए और अब हम जानते भी नहीं कि हम उसे अक्सर बिल्कुल कई बार सही। और सच में 30 दिन एक व्यक्ति को आदत बनाने के लिए बहुत ही मददगार होते हैं जिसके विषय में कोशिश कर रहे हैं कि वे करें। मैंने मनोदशा के विषय में यह भी पाया है कि हमारी मनोदशा में हमें सुधार लाना पड़ता है। सही बात कही। सच में मुझे याद है एक बार मैं एक परिस्थिति के विषय में बहुत ही बुरी मनोदशा रखता था। यह 1980 के पहले की बात है जब मैंने वहां पर एक किताब लिखी थी जिसका नाम था द विनिंग एटीट्यूड। मार्गरेट मेरी इस मनोदशा के विषय में थोड़ी परेशान हो जाती थी और उसने मेरे और देखकर कहा जानते हो
यदि आप विजयी मनोदशा के विषय में किताब लिखना चाहते हो तो आप ऐसे जीवन जिए कि आप जानते इस बात ने सच में मेरे अंदर में घर कर दिया कि आप मनोदशा के विषय में किताब लिख रहे हैं और फिर भी अपनी मनोदशा को पूरी तरह बुरी होने दे रहे हैं। इसलिए हमारी मनोदशा को सुधारने का सबसे उत्तम तरीका कौन सा है, जैसे जैसे कि हम यहाँ पर कर रहे हैं कि 30 दिनों का समय ले रहे हैं और हमें कहना है कि ठीक है शायद मैं पहले जहाँ था मैं वहाँ पर चला जाता हूँ क्योंकि शायद मैं उससे दूर हो गया हूँ। मेरी आदत थी कि बातों को ऐसी जाने देती थी क्योंकि मेरे जीवन में बहुत सी बातें हो रही थी और बहुत बातों के साथ हमें व्यवहार करना पड़ता है। और सच्चाई ये कि आप किसी बात के साथ अच्छे से रहते हैं तो इसका ये अर्थ नहीं कि आप उससे हमेशा अच्छे बने रहेंगे। वह सही है, सच में आप भी जानते और मैं भी जानता हूँ कि जब मनोदशा फिसलती है तो सब फिसलता है। सही कहा। मेरा मतलब जीवन में ऐसी कुछ बातें होती है जिनके फिसल जाने से हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं होता है, परंतु जब एक व्यक्ति का दृष्टिकोण और मनोदशा हम भीतर में कैसे महसूस करते हैं उसका भारी प्रभाव जब लोगों के सामने गिरने लगता है तो हमारी मनोदशा गिरने लगती है, हमारा संबंध गिरने लगता है, हमारी सोच और हम दूसरों के विषय में क्या सोचते हैं वह गिरने लगता है। हमारी मनोदशा और हमारी सोच के कारण कई कई बार परमेश्वर के साथ का हमारा संबंध भी नीचे गिरने लगता है। मैं निश्चित हूँ कि मैं अच्छी मनोदशा के लोगों के साथ रहना चाहती हूँ और मैं बुरी मनोदशा के लोगों के साथ रहना नहीं चाहती, और बुरी मनोदशा के व्यक्ति के साथ कठिन समय जाता है। जो व्यक्ति हमेशा किसी बात के विषय कुड़कुड़ाता और बुड़बुड़ाता है और शिकायत करता है चाहे उनके पास कुछ भी हो, वे कभी धन्यवादी नहीं होते। इसलिए हम आज कुछ समय के लिए धन्यवादी मनोदशा रखने के विषय कहना चाहते हैं। जॉन, मैं एक व्यक्ति को जानती हूँ जो कहता है मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मैं इस पृथ्वी पर का सबसे धन्यवादी व्यक्ति हो जाऊँ। क्या आप जानते हैं हम में से कई लोगों के पास वो लक्ष्य होना चाहिए, आप इस बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले मैंने पास्टर के साथ बहुत सी बातें की हैं। कई बार पास्टर अपनी सभा के लोगों के विषय में कहते और शिकायत करते, मैं कहता हूँ देखिए सुनिए शिकायत करना बंद कर दें, आप शायद मूसा हो सकते हैं। आपको कैसा लगेगा कि 40 वर्षों तक उन 15 लाख लोगों की, शिकायत करने वाले लोगों की अगुवाई करें, गोल चक्कर काटें और वे पूरे दिन भर ये कहते रहे काश मैं वहां पर होता। मैं हमेशा ऐसे महसूस करता था वे लोग जो धन्यवादी नहीं होते हैं उनके पास सही दृष्टिकोण नहीं होता है। मुझे याद है हायो में मेरी कलीसिया में एक व्यक्ति कलीसिया का कस्टेडियन था और वह बहुत ही शिकायत करने वाला था, उसमें धन्यवादी आत्मा की कमी थी। मुझे याद है एक बार उसका नाम बॉब था, मैंने कहा बॉब मैं चाहता हूँ कि आधा दिन तुम मेरे साथ में रहो, मैं आपको कोलंबस ले जाना चाहता हूँ। मैं उसे बच्चों के अस्पताल ले गया और मैंने कहा हम वार्ड में जा रहे हैं उस विभाग में जहाँ बच्चे ल्यूकेमिया के कारण मर रहे हैं, और उन दिनों में 70 या 80 के दशक के अंत में बहुत से बच्चे ल्यूकेमिया के कारण तो मर रहे थे, अभी भी वे तो मरते हैं परंतु उन दिनों में इसकी तादाद बहुत ज्यादा थी। और देखा जाए तो बॉब और मैं उस ल्यूकेमिया सेक्शन वार्ड में लगभग 2 घंटे तक रहे और वापस जाने के समय में वह बहुत शांत था और मैंने कहा बॉब तुम बहुत शिकायत करते हो परंतु अभी जो कुछ आपने और मैंने देखा अगर आप उसके विषय में दृष्टिकोण रखें तो आपके और मेरे पास शिकायत करने के लिए कुछ भी नहीं होगा। मैं विश्वास करता हूं कि जब मेरे पास धन्यवादी न होने की आत्मा होती है तो मैंने सच में संसार कैसा है इसका दृष्टिकोण ही खो दिया है। जॉन, मैं हमेशा लोगों से कहती हूँ विशेषकर विवाह के विषय, कई बार एक व्यक्ति अपने विवाह के संबंध के विषय संतुष्ट नहीं होता इसलिए वे हमेशा सोचते हैं कि सोर की घास हमेशा ज्यादा हरी होगी, परंतु मैं हमेशा उनसे कहती कि आपको उस घास की छटाई भी करनी होगी। बिल्कुल सही। इसलिए मुख्य बात यह कि चाहे आप जीवन में कुछ भी करें तो भी कुछ ऐसी बातें होंगी जो सिद्ध नहीं है, परंतु हम सब मनुष्य हैं, कोई सिद्ध नौकरी, सिद्ध कलीसिया, विवाह में सिद्ध सहभागी नहीं है। मेरा विश्वास है कि कोई पूरे सिद्ध दिन भी नहीं होते हैं, शायद ऐसे कुछ दिन हो जिसके अंत में आप कह सकते कि ये तो पूरा सिद्ध दिन था। मुख्य बात यह कि हमारे पास जो है उसके लिए हमें धन्यवादी होना सीखना चाहिए और बाकी सब परमेश्वर हमारे जीवन में करेंगे इस पर हमें भरोसा करना है। शिकायत और कुछ नहीं आपकी परिस्थिति और बुरी करती है। एक धन्यवादी मनोदशा बनाए और आप परमेश्वर की शांति का अनुभव करेंगे इस महिला के समान जिससे हम मिलना चाहेंगे। मेरे छोटे बेटे को युद्ध के आरंभ से ही इराक भेजा गया और उसने पहला वर्ष वहाँ बिताया। मैंने हर दिन और हर रात आंसू बहाए, प्रार्थना की, परंतु ये विश्वास नहीं किया कि वो सुरक्षित लौट आएगा। प्रतिदिन युद्ध होता गया तो मैंने सोचा मैं पूरी तरह टूट जाऊंगी और युद्ध चलता रहा, दिन ब दिन बदतर होता गया। वो घर वापस आया, परमेश्वर को स्तुति, वो घर जीवित और सुरक्षित लौटाया, मैं बहुत धन्यवादी हूँ। फिर 6 महीने के बाद उन्होंने कहा कि उसे फिर से इराक जाना होगा
और मैंने सोचा वो कैसे कर सकते हैं, ऐसे कैसे कर सकते हैं, जबकि मेरे पास इतना विश्वास था और परमेश्वर ने उसे छुड़ा कर वापस भेजा था। सकारात्मक रूप में देखना तो प्रतिदिन की चुनौती है। जॉयस सिखाती है कि हम हमारे जीवन के प्रत्येक बात के लिए कैसे धन्यवादी होना है। हर एक मिनट आशीष है। हमारी परीक्षाएं होती हैं, परंतु ये ऐसा ही बना है, ऐसा ही बना है। हमारे जीवन का हर मिनट बना हुआ है। मैंने परमेश्वर से मैं ही क्यों कहना बंद किया, मैं ही क्यों, मेरा ही बेटा क्यों, फिर से क्यों, परंतु ये कहना शुरू किया, धन्यवाद प्रभु, ये नया दिन है, मेरा बच्चा जीवित है, मेरा बेटा जीवित और कुशल है, वो हमारे पास वापस आ रहा है। परमेश्वर ने जो कुछ भी किया वो सही होगा। बाइबल पहला थिस्सलुनीकियों 5:18 में कहती है, हर बात में प्रभु का धन्यवाद करो, चाहे परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, धन्यवादी हो और धन्यवाद दो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारे लिए परमेश्वर की यही इच्छा है। ये तो अद्भुत वचन है ना जॉन? यह तो बहुत ही अद्भुत है। जब कभी मैं इसे पढ़ता हूँ तो मैं खुद को खोजने लगता हूँ और यह समझने लगता हूँ, यह तो कुछ ऐसा नहीं है जिसके विषय में वह मुझसे आशा करता है, यह कुछ ऐसा है जो मुझे सीखना है, इसे मैं पा सकता हूँ, यह आज्ञा है, इसीलिए मुझे इसे पूरा करना है। आप जानते हैं जॉन, जब हम ये गवाही देख रहे थे तब मैं सोच रही थी कि कैसे जब किसी के साथ कुछ होता है तो हम उसे आसान रूप में देखते हैं और ये मानो शर्म की बात हो, परंतु बातें सबके साथ होती हैं, परंतु जब ये हमारे साथ होती है, हाँ, मानो ये छोटी सर्जरी और बड़ी सर्जरी के समान है। छोटी सर्जरी तो आप पर है और बड़ी सर्जरी मुझ पर है, बिल्कुल सही और है। मैं सोचती हूँ कि हम हमेशा कहते हैं कि मैं ही क्यों प्रभु, और शायद हमें ये कहना चाहिए कि मैं क्यों नहीं प्रभु, क्यों नहीं मैं, यदि मैं क्यों दूसरे नहीं? हजारों लोगों के साथ हो सकता है तो आखिर फिर मैं वो व्यक्ति क्यों बनूं जो किसी बात में से होकर ना गया हो। देखिए, हमारे जीवन में झूठे और बिना कारण की अपेक्षाएं होती हैं और वे हमारा आनंद लूटती हैं। मैं नहीं कहती कि उठकर विनाश की अपेक्षा करें, क्योंकि मैं समस्याओं की अपेक्षा सकारात्मक होने में विश्वास करती हूँ, परंतु हमें साथ में जान लेना है कि हम संसार में हैं, शैतान असली है और दुष्ट की सामर्थ्य खुली है। पृथ्वी पर कोई भी लोग पूरी तरह से सिद्ध नहीं है और हमें बातों के साथ व्यवहार करना है, और यदि हम इन बातों में धन्यवादी हों, आप नम्र व्यक्ति की बहुत सी विशेषताओं को देख पाएंगे, और मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर आपकी मदद करेंगे कि आप खुद को नम्र बनाएं ताकि वो आपको उठा सके और ऊंचा कर सके। आज के स्रोत का लाभ उठाने के लिए, विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ बने रहें, और मैं आपसे कल मिलने की कामना करती हूँ। आप जितना जानते हैं उससे भी अधिक आप हमारे लिए जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीज एशिया में महत्वपूर्ण है। हम आपकी सराहना करते हैं, आप सहभागियों का धन्यवाद देते हैं कि संसार भर की सेवकाई को आप सफल कर रहे हैं। एक साथ हम भूखों को भोजन, गरीबों को कपड़े दे रहे हैं और पूरे संसार में सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। हमसे आज ही संपर्क करें या लॉग करें jmmindia.org। अपने प्रार्थना निवेदन भेजें, हमारे स्रोत के विषय जानें, जॉयस की सभाओं के विषय जानें, और जैसे हम पूरे संसार में मसीह के प्रेम को बांटते हैं तो आप हमारे साथ सहभागी हो जाएं।